तस्वीरों में एक शख्स बाढ़ में डूबे उबर खाबड़ क्षेत्र से बैलगाड़ी में घर के सामान को ले जा रहा है। दो दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद गांव के घरों में पानी भर गया। लोगों ने किसी तरह जान बचाई। अब डर है कि कहीं बाढ़ के पानी में पाई पाई करके जुड़ी उसकी संपत्ति बह न जाए। इस साल पांडुई नदी में अचानक आने वाली बाढ़ में डूबने वाले इस गांव की ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए हमारे संवाददाता सुजीत झा खुद इस गांव में पहुंचे। कहां जा रहे हैं आप? रोड कचहरी। कहां जा रहे हैं? रोड कचहरी। पूरा सामान उमान लेके आप जा रहे हैं? हाँ, तो ऊंचाई पर जा रहे हैं। क्या हो गया? क्या बात तबाह कर रहा है? बोलिए ना। बात तबाह कर रहा है यहाँ पर, रहने को परेशानी हो रहा है। हाँ, ऊंचाई पर जा रहे हैं रोड के पास, पूरा परिवार के साथ। हाँ, तो देखिए, क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। तो ये महेंद्र यादव हैं जो कि मुरली भरवा के रहने वाले हैं, और ये पूरा सामान अपना लेकर इस गाड़ी पे, ये क्या है? ये माल संग, अच्छा, चारा है। ये सारा सामान देखिए अपने घर का लेकर जा रहे हैं। सड़क के किनारे जाएंगे और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि इनके ये गांव जो है, ये दो दिन तक इस गांव में चूल्हा नहीं जला क्योंकि पानी इतना पंडुई नदी का आ गया था। अब क्या क्या हुआ था बाढ़ में? सर घर में पानी घुस गई रहा। अच्छा, तो ऐसे घर और टूट गई बा, घर और गिर गई बा। घर टूट गया जी सर। तो यही वो पंडुई नदी है जिसकी वजह से ये मुरली भरवा गांव में इस तरह की त्रासदी आती है, और ये सामान जो है इस तरह से ये लेके जा रहे हैं क्योंकि इनके घर में पानी आ गया था, घर भी गिर गया है। तो ये स्थिति है मुरली भरवा की, पंडुई नदी की वजह से। और ये नेपाल से निकलने वाली ये नदी इतनी खतरनाक है कि पानी अचानक आता है और सब कुछ तबाह कर चला जाता है। गांव के किनारे से बहने वाली पांडुई नदी धीरे धीरे गांव को काट रही है। पांडुई नदी के किनारे महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल की मूर्ति लगी है, यानी कि ये कोई अनजान गांव नहीं है। ये है गांधी के साथ ही पंडित राजकुमार शुक्ल का गांव मुरली भरवा। गांधी को जिस चंपारण ने महात्मा की उपाधि दी, जिस गाँव में गांधी खुद आए, उस गाँव का अस्तित्व आज खतरे में है। महात्मा गांधी को चंपारण आए 100 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और हम मौजूद हैं जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को चंपारण लाया, यानी कि पंडित राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये मुरली भरवा का है, और उनकी मूर्ति भी लगी हुई है पंडित राजकुमार शुक्ल की। और चूंकि 100 वर्ष गुजर चुके हैं, 1917 में गांधी जी यहाँ आए थे, और उसकी याद में यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ है, आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक बापू की कारांजलि। और ये जो है, ये इस बात का सबूत है, तकदीस करता है इस बात को कि महात्मा गांधी इस गांव में आए थे, मुरली भरवा, ब्लॉक गौनाहा, जिला पश्चिम चंपारण। 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी ब्रजकिशोर बाबू, रामनवमी बाबू, बिंध्यासिनी बाबू आदि के साथ मुरली भरवा आए थे। राजकुमार शुक्ल ने अपने उस घर को दिखाया था जिसे गत मास कोठी ने लूट लिया था, यानी कि अंग्रेजों ने लूट लिया था। हम यहाँ आज इसलिए आए हैं क्योंकि ये गाँव कटाव से और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। आज भी यहाँ आप देखिए पंडुई नदी बह रही है, और कुछ घंटे पहले तक इस गांव में काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ था इस नदी का, और चूंकि पहाड़ी नदी है तो पानी कम हो गया है। लेकिन जो स्थिति है आप देखिए, कहीं ना जो सड़क भी नहीं दिख रही है आपको, यहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 100 वर्ष से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जिसकी वजह से चंपारण का सत्याग्रह हुआ गांधी जी के लाने से, जिनकी वजह चंपारण सत्याग्रह से देश को आज़ादी की एक नई दिशा मिली। उस जगह का की हालत देखिए, ये दिखाने हम यहाँ मुरली भरवा आए हैं।
और ये चूंकि नदी जो है पंडुई नदी, इसका कटाव इतना तेजी से हो रहा है कि अगले कुछ दिनों में अगर ये पंडित राजकुमार शुक्ल की मूर्ति इस नदी में विलीन न हो जाए तो ये आश्चर्य की बात होगी। तो सवाल इस बात को लेकर है कि चंपारण सत्याग्रह जिस मकसद को लेकर हुआ वो मकसद पूरा हुआ, आज़ादी मिली, लेकिन पंडित राजकुमार शुक्ल के गांव में आज भी कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नेपाल से आने वाली पांडुई नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मंगलवार की रात में नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से पांडुई नदी में भयानक उफान आया और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। गांव की 65 वर्षीय जशोदा देवी अपनी व्यथा सुनाते रो पड़ती हैं। बिना जगह जमीन है लगे है, यहाँ नहीं जाए यो दो जाता खाए के नहीं खेजी कर बेटा को करिए के बाद मालिक उठ गए ले हम कौन कमी नहीं करता नहीं खाए के नहीं खेजी ये बड़ा है अपना भात ही लो दालो तो खा कहाँ दिन से चार पांच दिन से उतर रहा नहीं ये बड़ा कभी है पांच कोई नहीं बड़ी हम दुख बानी तानी हुई नदी के चलते और तबाह बन जाए जो कौन घर हरा हो तो घर जिस व्यक्ति की वजह से गांधी जी चंपारण आए, चंपारण सत्याग्रह हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गई, चंपारण सत्याग्रह देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण मुकाम भी है। देश की आज़ादी को इतने वर्ष गुजर चुके हैं लेकिन पंडित राजकुमार शुक्ला के गांव मुरली भरवा में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़कें नहीं हैं तो ऐसी आज़ादी किस काम की। गांधी जी के साथी के ऐतिहासिक गांव के लोगों ने वो वजह बताई जिसके कारण गांव विकास से कोसों दूर है। मंत्री नीतीश कुमार जी यहां 2017 में आए थे तो बोले थे जी गांव को माने हम सड़क से जोड़ेंगे, पूरा नदी को बांध बनवाएंगे और ये गांव में पंडई नदी में पुल लगवाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। आपके सामने जो अभी तक मूर्ति का काम भी पूरा नहीं हुआ है, मैंने दो दिन पहले यहाँ पे बांध बनाया था नदी बचाने माने मूर्ति को बचाने के लिए, लेकिन कल पानी आया उसको लेके चला गया। इस गांव से बाहर जाने के लिए कोई एक भी रोड नहीं है। सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था बचाने का, बस प्रयास करते हैं, बस बरसात में करते हैं, दिखावा के लिए करते हैं, बस बालू रखते हैं थोड़ा बहुत, पानी आता है दहवा ले जाता है काट लेता है और कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए ये जिस जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए थे उस समय ये नदी जो है उस बांस के किनारे, बांस का जो आपको झाड़ दिख रहा है वहाँ पे वो नदी थी और आज ये नदी यहाँ पे इतनी नज़दीक स्टैचू के नज़दीक आ गई। आप जहाँ उन्होंने भाषण दिया था वो जगह भी पूरी तरह से नदी के कटाव में आ गया है। ये मुरली भरावा की सड़क है और हम जिस सड़क पे चल रहे हैं वो सड़क तो है लेकिन तालाब में तब्दील है और इसी सड़क से आप जाएंगे पंडित राजकुमार शुक्ल के की मूर्ति के पास। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि मुरली भरावा की क्या स्थिति है। इस पर एक एक कदम चलना काफ़ी मुश्किल भरा काम है और ऐसे में कोई कैसे इस ऐतिहासिक जगह पर आएगा जहां पर गांधी जी भी आ चुके हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, मुरली भरावा, पश्चिम चंपारण।